सीरीज चैप्टर से आपके लिए हम आज 3 क्वेश्चन लाए हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करें। जैसे पहला क्वेश्चन है 35, 50, फिर 63, फिर 82, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर लास्ट में 122 है। तो इसको आप ठीक से रिलेशन समझिए इसका रिलेशन, फिर इसको सॉल्व कीजिए। जैसे 35 क्या है, 35 क्या है, 6 का होल स्क्वायर, और उसमें अगर हम माइनस वन कर दें तो क्या हो गया, 35 हो जाएगा, क्योंकि 6 का होल स्क्वायर 36 होता है, फिर माइनस वन कर देंगे तो 35 हो जाएगा। वैसे 50 क्या है, 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 50, फिर 63 वैसे ही 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर होता है 64, और माइनस 1 कर देंगे 63 हो जाएगा। यहाँ पे रिलेशन है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस हो रहा है। फिर 82 में वही होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 1 82। तो ऐसे ही समझ के क्वेश्चन मार्क पे हम लोग 10 का स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन वैसे ही है। फिर हम लोगों का आंसर हो जाएगा 99। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं। जैसे 122 क्या है, अब 11 का स्क्वायर प्लस 1, तो 121 प्लस 1 122 हो जाएगा। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन को हल कीजिए, इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। इसको रिलेशन समझिए कि क्वेश्चन क्या कहता है, उसका आंसर निकालने का जल्द से जल्द कोशिश कीजिए। यहाँ पे है 43, 45, 50, फिर 60, फिर 103 है लास्ट में, बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो उसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, पहले में है 2, फिर 5, फिर 10 का डिफरेंस है, फिर क्वेश्चन मार्क कितना का डिफरेंस आएगा। इसको करने के लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जैसे हम 43 में 2 जोड़ेंगे तो 45 होगा, तो 2 कैसे लाएंगे, तो 2 लाना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो हम 2 आ जाएगा, जिससे 45 आ जाएगा। 43 में 2 जोड़ेंगे 45, फिर 45 से 50 में 5 का डिफरेंस है, तो कैसे 5 आएगा, तो वही सेम फार्मूला अपनाएंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर इसको हम 45 से जोड़ देंगे तो आंसर 50 हो जाएगा। फिर हम लोग को 10 का डिफरेंस निकालना है, 50 और 60 में 10 का डिफरेंस है, तो उसको वैसे ही करेंगे, फार्मूला जैसे जा रहा है सीरीज, पहले 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 2 का स्क्वायर, अभी 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, तो वैसे आपका 60 आ गया। अब क्वेश्चन मार्क पे अगर देखना है कि क्वेश्चन मार्क पे अभी क्या आएगा, तो उसके लिए आप जैसे हो गया सीरीज जा रहा वैसे कीजिए कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, तो 17 और 60 जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका, 17 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 77, तो ये 77 आपका आंसर हुआ। वैसे आप इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं कि सही आंसर लास्ट सीरीज तक जा रहा है कि नहीं, लास्ट में 103 है। तो चलिए करते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 तो क्या हो गया, 26। तो अगर हम 77 से 26 जोड़ देंगे तो 103 आ जाएगा, तो आपका सॉल्व हो गया, तो आपका आंसर सही है। वैसे तीसरा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स।